हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टर्न पर हमने जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ा था सेल के बारे में, कोशिका क्या होती है। अब हम उसी को कंटिन्यू करते हुए आगे हम देखेंगे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल। कोई भी कोशिका जो है वो ब्रॉडली दो भागों से हम देखते हैं टाइप की होती हैं। एक होती है प्रोकैरियोटिक सेल्स और दूसरी होती हैं यूकैरियोटिक सेल्स। और ये प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या है? प्रोकैरियोटिक जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड है, जो कि प्रो मीन्स होता है प्रिमिटिव और कैरियन मीन्स होता है न्यूक्लियस। मीन्स ऐसी कोशिकाएं जो कि प्राइमरी बहुत प्रिमिटिव हैं और न्यूक्लियस जिनमें कि न्यूक्लियस प्रॉपर नहीं होता है, इसीलिए प्रिमिटिव टाइप की होती हैं। इनके एग्जाम्पल जो हैं बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी है और पीपीएलओ प्लूरो निमोनियालाइक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। अब हम और इसके बारे में देखें तो ये वन एनवलप सिस्टम हम इनको कहते हैं, क्योंकि इसमें पूरी कोशिका चारों तरफ से तो सेल मेम्ब्रेन से कवर्ड रहती है, लेकिन जो न्यूक्लियस या डीएनए आरएनए जेनेटिक मटेरियल है उसमें चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, इसीलिए हम इसको वन एनवलप सिस्टम कहते हैं। बहुत साइज में छोटी होती हैं और इसमें डीएनए या आरएनए हमें मिलता है और प्रोटीन न्यूक्लियस जो है वो उसमें मिलते हैं। केवल हमें फ्री फॉर्म में एक एरिया होता है पर्टिकुलर, जहाँ पर कि डीएनए या आरएनए फ्री रहता है और उसके आसपास कुछ भी थोड़ा सा एरिया क्लियर होता है साइटोप्लाज्म के अंदर। अब इसमें हमको सबसे बड़ी बात क्या है, कोई भी सेल ऑर्गेनिल्स जो हम जानते हैं वो कोई भी इसमें प्रेजेंट नहीं होता एक्सेप्ट राइबोसोम्स के। तो कोई भी नहीं होने की वजह से अब माइटोकॉन्ड्रिया का जो मेजर काम है वो कौन करता है? रेस्पिरेटरी एंजाइम्स इसमें मेम्ब्रेन में न्यूक्लियर सॉरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट रहते हैं, जिनके थ्रू रेस्पिरेशन का कार्य पूरा करते हैं। और सारे जैसे मैंने आपको बताया साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल जितने भी हैं वो सब एब्सेंट होते हैं। तो हम एक जनरल एग्जाम्पल से हम इसको समझ सकते हैं कि कितना प्रिमिटिव टाइप का स्ट्रक्चर। दो ये पूरी एक कोशिका है, इसमें सारी क्रियाएं होती हैं बट ये बहुत प्रिमिटिव होते हैं। बैक्टीरिया का इसका हम एक एग्जाम्पल लेके हम इसको समझ सकते हैं कि बैक्टीरिया में देखिए ये एक टिपिकल बैक्टीरिया हमने ले लिया है। ये इसमें फ्लैजेलम है जो उसको मूवमेंट देता है। सेल वॉल होती है बैक्टीरिया के चारों तरफ एक्स्ट्रा, इसमें सेल मेम्ब्रेन है अंदर और यहाँ पर पूरा साइटोप्लाज्म, इसमें बहुत सारे नंबर में राइबोसोम्स रहते हैं। और इसके अलावा एक एरिया देखिए यहाँ पर जो फ्री मटेरियल दिख रहा है हमको, ये न्यूक्लियर न्यूक्लियर मटेरियल होता है। तो सिंपल स्ट्रक्चर होता है, इसमें कोई भी कॉम्प्लिकेशंस हमको कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर दिखाई नहीं देते हैं। तो ये होती हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स। इसके बाद नेक्स्ट जो दूसरी ब्रॉडली स्पीकिंग हम कह सकते हैं जो टिपिकल सेल होती है, जो कि सब में हमको जितने भी मल्टी सेलुलर एनिमल्स हैं उन सब में हमको ये यूकैरियोटिक सेल से ही टिश्यू मिलकर बनता है, या पूरा एनिमल सेल्स में यही यूकैरियोटिक सेल्स ही पाई जाती हैं। ये जो यूकैरियोटिक वर्ड है ये यू जो है वो उसका मतलब होता है गुड, मीन्स अच्छी पूरी कंप्लीट सेल है। कैरियोटिक न्यूक्लियस जो है वो गुड अच्छी कंडीशन में, मीन्स पूरा एनवलप डबल टू एनवलप सिस्टम से बना होता है, लार्ज भी होता है और उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मीन्स जेनेटिक मटेरियल जितना भी है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा हुआ रहता है, प्रेजेंट रहती है। दूसरी बड़ी बात, जितने भी इंटरनल ऑर्गेनेल्स हैं साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स हैं सब इसमें प्रेजेंट होते हैं, जो कि अपना अपना कार्य करते हैं। अब ये जो सेल्स हैं यूकैरियोटिक सेल्स, जितनी भी मल्टी सेलर एनिमल्स हैं उसमें हमें पता है टिश्यूज होते हैं और सब सेल्स जो हैं वो अलग अलग फंक्शन अपने हिसाब से जितना बड़ा एनिमल होता है उसमें डिवाइड होके काम करते हैं। तो अब हम जनरल बात कर लें कि शेप क्या होती है नॉर्मल एक टिपिकल सेल की। तो बहुत तरह की हमको ये सेल्स उनके अकॉर्डिंग फंक्शन के और कहाँ पर इम्पॉर्टेंट क्या है कहाँ पर प्रेजेंट हैं उसके अकॉर्डिंग इनकी शेप जो है वो बदलती है। इरेगुलर हो सकती हैं, ट्रायंगुलर हो सकती हैं, ट्यूबुलर हो सकती हैं, क्यूबॉइडल हो सकती हैं, पॉलीगोनल हो सकती हैं, सिलेंड्रिकल हो सकती हैं, ओवल हो सकती हैं, राउंडेड हो सकती हैं और इलॉन्गेटेड हो सकती हैं। तो बहुत तरह की शेप उनकी जहाँ पर वो प्रेजेंट हैं उसके अकॉर्डिंग हमको उनकी शेप में डिफरेंट
मिल सकता है और मिलता है। इसी तरह हम साइज देखें, एनिमल जो है वो या प्लांट छोटे हैं बड़े हैं उस पर उनका जो है वो सॉरी नंबर डिपेंड करता है। नंबर भी बहुत ज़्यादा उनका वेरी करता है, अगर एनिमल या प्लांट छोटे हैं तो नंबर कम होगा और अगर बहुत एनिमल बड़ा है लार्ज साइज का है तो उसमें नंबर नेचुरल है ज़्यादा होगा। इसी तरह साइज भी बहुत वेरी करता है, 1 μm से लेकर 175 mm तक एक कोशिका जो है वो बड़ी साइज में हो सकती है। अब हमें पता है, जैसे सबको मालूम है आप लोगों को, ऑस्ट्रिच जो है वो एग सबसे बड़ी सेल मानी जाती है, 175 mm की होती है। इसी तरह अगर हम लेंथ के अकॉर्डिंग देखें तो नर्व सेल जो होती है वो 3 से लेकर 5 फीट की हमको दिखाई देती है, जो कि एक सिंगल सेल होती है। ठीक है, अब हम इसमें एक जनरल, जैसे हमने बैक्टीरिया का पढ़ा था, एक टिपिकल एनिमल सेल के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि कैसी उसकी स्ट्रक्चर शेप होता है और उसमें कौन कौन से ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो मुख्य रूप से कोई भी कोशिका हो उसको हम 3 भागों में बांट कर पढ़ते हैं। पहला होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन भाग है, दूसरा है साइटोप्लाज्म और तीसरा है न्यूक्लियस। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये सबसे बाहर की आउटर मोस्ट लेयर होती है, जिस जो कि साइटोप्लाज्म को चारों तरफ से घेरे रखती है। और इसको जैसे हमें पता है इसका मुख्य कार्य क्या होता है, इसको प्रोटेक्ट करके रखना होता है और इसमें से कुछ आयंस का भी आदान प्रदान इसमें से हो सकता है। अब इसमें जो है सबसे ऊपर हमको इसके शेप में आप देख रहे हैं माइक्रोविलाई, जिनको हम बोलते हैं फोल्ड्स दिखाई देते हैं, ये होते हैं माइक्रोविलाई। सारे सेल्स में नहीं मिलते, जहाँ पर एब्जॉर्प्शन की ज़रूरत होती है, सरफेस एरिया बढ़ाना होता है, वहाँ पर हमको माइक्रोविलाई मिलते हैं। अब इसके अंदर दूसरा भाग जो है वो क्या है, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो है ये पूरा जितना अंदर जेल लाइक कोलाइडर सॉल्यूशन दिख रहा है हमको, ये सब क्या है, साइटोप्लाज्म होता है। और साइटोप्लाज्म और अंदर न्यूक्लियस के जो प्रेजेंट है वो न्यूक्लियोप्लाज्म, दोनों मिलकर हम इसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। तो अभी हम साइटोप्लाज्म जो बाहर है उसमें हम देखते हैं कि ये बाहर की तरफ थोड़ा ज़्यादा क्लियर और अंदर थिक होता है, बाहर वाला जिसको हम एक्टोप्लाज्म बोलते हैं और पूरे अंदर वाले को एंडोप्लाज्म बोलते हैं। अब इसमें अगर हम बात करें, सबसे पहले प्रेजेंट होते हैं वेसाइकल्स हैं, गॉल्जी बॉडी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। और आपको पता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पर में मुख्य रूप से राइबोसोम रहते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य होता है। उसके बाद आती है गॉल्जी बॉडी। गॉल्जी बॉडी न्यूक्लियस के ऊपर एनिमल्स में जनरली एक ही होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जाल सा पूरे सेल में बना के रखती है और उसको जो है वो बाहर के जितना भी कहना चाहिए स्टिफनेस जो देते हैं उसको, कि वो रहे, उससे उसको बचा के रखते हैं कि कोई भी बात हो तो सेल इस तरह से सिकुड़ ना जाए। इससे होती है उत्पन्न आपकी ये गॉल्जी बॉडी। यहाँ पर हम देखते हैं कि फर्दर जो यहाँ प्रोटीन बनते हैं वो यहाँ आते हैं, फर्दर इसमें सीक्रेशन एड ऑन होते हैं। इसके बाद इसमें से जो है पिंच ऑफ होके निकलते हैं लाइसोजोम्स, जिसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स एड ऑन हो जाते हैं। तो हमको इसके पास में ही हमको काफ़ी वेसाइकल्स के फॉर्म में लाइसोजोम्स दिखाई देते हैं। और राइबोसोम, जैसे आपको पता है कुछ राइबोसोम्स तो इस पर अटैच रहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, और बहुत सारे जो है फ्री हमको साइटोप्लाज्म में मिलते हैं। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट एक ऑर्गेनेल है वो कौन सा है, माइटोकॉन्ड्रिया। मैं सबको पता है कि वो माइटोकॉन्ड्रिया रेस्पिरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, डबल वॉल्ड होता है और काफ़ी नंबर में होते हैं। अब हम आगे देखें इसमें कि नीचे की तरफ हमको फोल्ड्स दिखाई देते हैं जो कि उसके पास में है, माइटोकॉन्ड्रिया भी मिलते हैं जो कि उसको एनर्जी देते हैं। बेस इसके नीचे बेसमेंट मैम्ब्रेन होती है। अब इसके बाद तीसरा जो भाग है वो क्या है, न्यूक्लियस। सेल के सेंटर की तरफ ही ज़्यादातर न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस जो है वो डबल वॉल्ड न्यूक्लियर मैम्ब्रेन से घिरा हुआ रहता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में हमको पोर्स भी मिलते हैं, जिसके थ्रू अंदर बाहर मटेरियल सेल के अकॉर्डिंग अंदर बाहर आते जा सकते हैं। अंदर हम देखेंगे कि हमको यहाँ पर न्यूक्लियोसोम भी मिलता है एक, और उसके अलावा जेनेटिक मटेरियल क्रोमेटिन के फॉर्म में, और जब सेल डिवाइड करने लगती है
तो ये क्रोमोसोम्स बना लेते हैं। तो इस प्रकार न्यूक्लियस जो है वो में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गई, न्यूक्लियो अंदर जितना भी ये जेल लाइक लिक्विड है वो क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियोलस। तो तीन चीजें हमको इसके अंदर मिलती हैं न्यूक्लियस के अंदर। तो इनका फंक्शन आपको पता है, क्रोमोसोम जेनेटिक मटेरियल होता है जो कि डीएनए आरएनए है, वो आगे हमारे जीन्स को ले जाते हैं। तो डिटेल में हम सबके फंक्शंस को बाद में डिटेल में एक एक का पढ़ेंगे। तो ये हमारी एक टिपिकल एनिमल सेल है, थोड़े थोड़े डिफरेंस हो सकते हैं बट सारे एनिमल्स में सेल्स इसी प्रकार की होती हैं। अब हम देखते हैं कि ये जो हमने देखा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स, वैसे हमने इसमें डिफरेंस देख लिया, फिर भी हम इसको अगर डिवाइड करते हैं और उसके बाद हम देखें तो हम देखते हैं शुरू से प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल। साइज पे जाएं 1 μ से लेकर 10 μm तक हो सकती है, यूकैरियोटिक 10^5 से लेकर 10^5 μm तक हो सकती हैं। सेल वॉल पेप्टोग्लाइटिन की बनी होती है, प्लांट में सेल्यूलोज की बनी होती है यूकैरियोट्स में, ठीक है। न्यूक्लियस जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है और यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होती है। न्यूक्लियोलस एब्सेंट होता है, प्रेजेंट होता है। डीएनए ये वलय अटैच्ड सिंगल स्ट्रैंड होता है, जैसे हमको पता है डबल होता है, इसमें डबल स्ट्रैंडेड होता है डीएनए। ऑर्गेनाइजेशन की बात करें डीएनए तो हिस्टोन मेन चीज है, हिस्टोन एब्सेंट होता है, इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। फिर है ये मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स में एब्सेंट होते हैं, जितने मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स है माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह सब एब्सेंट होते हैं, केवल ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। प्रेजेंट सब होते हैं आपको पता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स होते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में स्टेरॉइड्स एब्सेंट होते हैं जबकि इसकी में प्रेजेंट होते हैं, और माइक्रोविलाई इन एनिमल्स में माइक्रोविलाई जो मैंने आपको बताया था प्रेजेंट होती हैं। इसके बाद राइबोसोम्स की बात करें तो 70S टाइप के राइबोसोम्स होते हैं जबकि इसमें जो है वो यूकैरियोट्स में 80S टाइप के होते हैं। फ्लैजिला या हम सीलिया की बात करें अगर प्रेजेंट होते हैं तो 1 फाइब्रिल तंतु के बने होते हैं, और प्रेजेंट होते हैं तो 9+2+14+ लिपिड्स के बने होते हैं। साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट्स इसमें एब्सेंट होते हैं, इनमें प्रेजेंट होते हैं। माइटोटिक सेल डिवीजन इसमें एब्सेंट होता है, इसमें प्रेजेंट होता है। इनमें हमको डिवीजन जो है डिफरेंट टाइप के बाइनरी फीचर्स वगैरह मिलते हैं। देख सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत कम होता है, नॉन और कंप्लीट भी नहीं होता है, अगर होता है तो इसमें नॉर्मल होता है और कंप्लीट होता है। और एक्सो एंडोसाइटोसिस बाहर अंदर का वो बिल्कुल एब्सेंट होती है और इसमें प्रेजेंट होती है। तो मेजरली स्पीकिंग हम ये कह सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल्स बहुत प्रिमिटिव टाइप की होती हैं थोड़े, और यूकैरियोटिक सेल्स जो है वो एडवांस है, और सारे कार्य शरीर के जितनी भी क्रियाएं हैं का फंक्शंस हैं सब मिलके टिश्यू बना के कार्य करती हैं। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं वो सिंगल होती हैं, फिर भी वो लाइफ की सारी जितनी एक्टिविटीज़ हैं उनको कंप्लीट करती हैं। तो अब हमने आज हमने देखा प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल्स, टिपिकल एनिमल सेल के बारे में जाना। अब हम नेक्स्ट टर्न पर इसके आगे पढ़ेंगे।